गर्ल्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 87 पर एक्सरसाइज ए। यहाँ पे आज की डे एंड डेट पुट करें। उसके बाद देखिए फर्स्ट एक्टिविटी है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। इसकी जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज हुए हैं वो सब के सब आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स में मौजूद हैं। आगे उन्होंने हर वर्ड और एक्सप्रेशन के आगे जो है वो पैराग्राफ नंबर जो है वो मैंशन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वर्ड है रिमेन अलाइव, ये पैराग्राफ नंबर 1 में इसका आंसर मौजूद है। इससे सिमिलर मीनिंग वर्ड पैराग्राफ नंबर 1 में मौजूद है। अगर आपने लेसन की ट्रांसलेशन को केयरफुली पढ़ा है, इसकी रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है, तो फिर तो आपको हर वर्ड का मीनिंग आता है। फर्स्ट वर्ड है रिमेन अलाइव। रिमेन में देख रहे हैं कि आप सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है तो ऑटोमेटिकली इसका जो भी मीनिंग होगा उसमें भी हमने सेकेंड फॉर्म मैंशन करनी है। रिमेन अलाइव सर्वाइव्ड, रिमेन अलाइव सर्वाइव्ड, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग कि अब उसका वजूद नहीं है। मोस के बारे में आपने पढ़ा था लेसन लाइन नंबर 1 में, लेसन के बिल्कुल स्टार्ट में, कि वो अब नापैद हो चुके हैं, उनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए वर्ड कौन सा आया था, एक्सटिंक्ट, दैट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ऑफ द नाइट, ये भी लेसन के स्टार्ट में था। ऑफ द नाइट मीन रात को बाहर निकलने की आदत, नॉक्टर्नल, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था नॉक्टर्नल, रात को बाहर निकलने की आदत। करैक्टरिस्टिक खसूसियत, पिकुलियरिटी, खसूसियत, शार्प, एक्यूट, जी हाँ, इसकी एक सेंस के बारे में बताया गया था कि इसकी सेंस जो है वो बहुत एक्यूट होती है, सेंस ऑफ उसकी सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो वो ये देखिए एक्यूट वर्ड आया था यहाँ पे, शार्प, एक्यूट, हाईली सेंसिटिव, डेलिकेट, ये भी उसकी सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बताया गया था कि उसकी डेलिकेट सेंस है। उसके बाद है प्रोवाइडेड, इक्विप्ड, इसके लास्ट पैराग्राफ में ये वर्ड यूज़ हुआ था कि तमाम सहूलतों से उसे फ्राहम की गई है नेचर की तरफ से, इक्विप्ड। राइवल्स कंपिटिटर्स, कि अपनी किसी भी मुखालिफ या हरीफ से ज़्यादा हो, राइवल्स कंपिटिटर्स यानी कि हरीफ या मुखालिफ। कट डाउन, कट डाउन, रिड्यूस्ड। स्पेशल एबिलिटीज, टैलेंट्स, ख़ास सलाहियतें। तो ये थे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। पेज नंबर 88 पर इसकी सेकेंड एक्टिविटी है चूज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन द पैसेज। कैसे यहाँ पे 5 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और आपने हर एक के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको सर्कल करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, आपने राइट ऑप्शन को सर्कल करना होता है। फर्स्ट है लाई अप इन हाइडिंग, कि खुफिया जगहों में लेटे रहते हैं। इसमें बताएं कि कौन सी एक्सप्लेनेशन ऐसी है जो इस एक्सप्रेशन से मैच करती है, तो वो कौन सी है, स्टे आउट ऑफ साइट। आपने यहाँ इसको हाईलाइट करना है या इसको सर्कल कर लें। उसके बाद बी में है गिव्स देम अ क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी, कि उनको ना दिखाई देने वाला एक चोगा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सी चीज़ है कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनको कि वो नज़र नहीं आते दूसरों को, दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे है कैमोफ्लाज देम सो दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू सी। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुई कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का क्या मतलब होता है कि हाइड और डिस्गाइज ऑफ सम पर्सन, एनिमल और बर्ड। कोई भी एनिमल, पर्सन या बर्ड जो है वो कोई ऐसा बेस बदल लेता है जिससे वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग के साथ इस तरह से मैच करता है कि वो किसी को दिखाई नहीं देता, उसको क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज करना। तो ये क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी के साथ मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है टू देयर हार्ट कॉन्टेंट्स। हार्ट कॉन्टेंट्स मीन कि वो जी भरकर खाते हैं, टू देयर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो रात को बाहर निकलते हैं और उस वक्त मेजोरिटी जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो सो चुके होते हैं और ये उनकी रात को बाहर निकलने का वक्त होता है, इसलिए वो जी भरकर खाते हैं, कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। उसके बाद है एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, बेहतरीन औकात में। तो यहाँ पे कौन सा है, इवन इन द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसिस। ये उनकी आईसाइट के बारे में बात की गई है कि देयर आईसाइट इज पुअर एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इवन इन द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसिस दे आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हियर। आउट ही गोज लाइक अ कैंडल, लेसन की बिल्कुल लास्ट लाइन में है कि वो शमा की तरह बुझ जाता है। ये यहाँ पर एक मेटाफरिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, कैंडल वर्ड जो है एज ए मेटाफर यूज़ किया गया है। तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है कि ही विल डाई इंस्टेंटली, कि जल्द ही वो मर जाएगा, इंस्टेंटली फॉरनली। तो ये आपकी एक्टिविटी जो है वो हो गई। उसके बाद हम आ रहे हैं इसकी
नेक्स्ट एक्टिविटी बी पर, उसमें चूज द बेस्ट आंसर, ये भी इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पर भी आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और उसके नीचे जो है फोर ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपने राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। व्हाट मेक्स कीव डिफिकल्ट टू सी और डिटेक्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर कि वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में उन्हें डिटेक्ट करना या उन्हें देखना मुश्किल होता है। जी हाँ, आपके जहन में क्या आ रहा है, अभी कल हमने इस लेसन को पढ़ा था, बहुत छोटा सा लेसन है, लेकिन इस छोटे से लेसन में आपको इसके बारे में कितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो था इनकी देयर डल लाइट ब्राउन प्लमेज, प्लमेज मीन हेयर फेदरिंग, कि उनके जो पर हैं या वो उनका जो एक ड्रेस होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आते। व्हाट डू कीवीज डू एट नाइट, कीवी रात को क्या करते हैं, दे लुक फॉर देयर फूड, कि वो अपनी खुराक की तलाश में बाहर आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। अब हमने फोर स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो बिल्कुल ट्रू है। द कीवी हैज पुअर आई साइड बट अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, कि आई साइड उनकी पुअर होती है लेकिन उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो अच्छी होती है, ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद आप आए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 89 पर, यहाँ पे दिया गया है नंबर 4 पे विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है कीवी के बारे में। इट्स नॉस्ट्रिल्स आर एट द बेस ऑफ द बिल, कि उसके नॉस्ट्रिल जो है वो बिल की बेस पर होते हैं, उनकी चोंच की बेस पर होते हैं। ये तो रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सारे बाकी जो बर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं, उनके नॉस्ट्रिल जो है वो उनकी बीक के बेस पर होते हैं और कीवी के तो उसकी बिल के टिप पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। द कीवीज चांस ऑफ सर्वाइवल इज रिड्यूस्ड व्हेन वी, उनके सर्वाइवल के चांस कब कम हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं क्लियर इट्स हैबिटेट फॉर फार्मिंग, कि उसके रहने की जगह को अगर हम फार्मिंग के लिए यूज़ करना चाहें और उसको वहाँ से कल्टिवेशन के लिए उसको साफ कर दें तो वो उसके सर्वाइवल के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, क्लियर इट्स हैबिटेट फॉर फार्मिंग। तो ये थी आज की एक्सरसाइज।